मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी जी हमारे साथ मौजूद है। सर, व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट द रेजोल्यूशन? देयर आर लॉट ऑफ क्वेश्चंस आल्सो बीइंग रेज्ड। रेजोल्यूशन हमने वो लाया जो हमारा आईनी हक है। हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए ये रेजोल्यूशन है। हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए रेजोल्यूशन है। ये रेजोल्यूशन जो हमने लाया है, जम्मू कश्मीर की जमीनों को बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। जम्मू कश्मीर के रोजगार को हम बाहर के लोगों को लेने नहीं देंगे। हमारी माइनिंग, हमारे दरिया बाहर के लोगों को नहीं लेने, हमारी इंडस्ट्री हमारे लोगों के लिए है, बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। हमारा जो वाइन पॉलिसी है हमारे लोगों के लिए, बाहर के लोगों को नहीं है। इसलिए हमने जो रेजोल्यूशन लाया है, ये ऑनरेबल होम मिनिस्टर साहब ने पार्लियामेंट में वादा किया हुआ है। आपको याद होगा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत है, उस पंचायत में उन्होंने कहा था कि जम्मू कश्मीर की जमीन है, जम्मू कश्मीर का रोजगार बाहर के लोगों को नहीं लेने देंगे। उन्होंने खुद कहा था जैसे ही हालात ठीक होंगे हम जम्मू कश्मीर को दोबारा स्टेट का दर्जा दें। इलेक्शन हो गया, वोट पड़े, सरकार बन गई, स्टेट भी दीजिए हमारा स्पेशल स्टेटस। जैसे आपने हिमाचल को नहीं दिया, 11 स्टेट हैं हिंदुस्तान के अंदर जहां दिया हुआ है, तो जम्मू कश्मीर मांगे तो हमें कुछ और। बीजेपी टर्मिनेट एंटी नेशनल एंड एंटी पीपल मूव। भैया इनका नार्को टेस्ट कराओ, इनकी दिल की बात हमने रख दी है, फर्क इतना है। अब साहब कह के हाजिरी लगानी है, हाजिरी लगाने दो। आपको लगता है कोई इंपैक्ट कर पाएगा रेजोल्यूशन के लिए? भैया आपकी बातों में हम नहीं फंसेंगे। ये आपने ही सत्यानाश किया, ये मीडिया वाले ऐसे कर करके हमें आप भी जानते हैं जिन लोगों के आगे हमारी अकाउंटेबिलिटी है उनको हम उनको समझ रहे हैं कि हमने क्या नेशन कहाँ फंस रहे हैं। मेरे लीडर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला साहब ने क्या रेजोल्यूशन दिया, जिनको हम समझाना चाहते हैं वो समझ रहे हैं। अब आप ना समझें, आंखें बंद कर लें तो हम कुछ नहीं कर पाए। आपकी मेहरबानी। नो मेंशन ऑफ 370 35A और 370 क्लियरली। आपकी बातें, अपनी बातें, आपकी दिल की बात हमारे मुंह में मत डालो भैया। इतने सस्ते नहीं है और इतने भोले भी नहीं जो आप कहना चाहते हो। हम बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाएंगे, नहीं चलाएंगे। चले गए थे उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी, जिन्होंने कहा कि बीजेपी का एजेंडा नहीं चलाएंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो लोगों से वादा किया था और वो उन्होंने पूरा करने की कोशिश की। स्टेटहुड भी मिलेगा और स्पेशल स्टेटस के हवाले से हमने ये सवाल पूछा कि आखिर जो रेजोल्यूशन पास किया गया उसमें धारा 370 35A का क्लियरली मेंशन नहीं है, जबकि स्पेशल स्टेटस कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज का जिक्र किया गया है। तो कुल मिलाकर उनका ये मानना है कि भले ही 370 35A का मेंशन नहीं है लेकिन राइट्स वही है और मांगे वही हैं। तो TV9 भारतवर्ष ने लगातार उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी से सवाल पूछने की कोशिश की और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जिस तरह इनके थ्रू ही इस रेजोल्यूशन को हाउस में टेबल किया वो बहुत अहम देखने लायक बात थी, क्योंकि जम्मू रीजन से एक बड़ा जो मैंडेट है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को नहीं मिला था लेकिन कश्मीर घाटी से जो है बड़ा मैंडेट मिला था और उसके चलते रीजनल बैलेंस करने के लिए सुरेंद्र चौधरी और अन्य जो मेंबर्स थे उन्हें मंत्री पद दिया गया था। और सुरेंद्र चौधरी ने एक्सक्लूसिव बात करते हुए TV9 से ये कहा कि बीजेपी का एजेंडा जम्मू कश्मीर में नहीं चलेगा। कैमरा पर्सन सैयद मुर्तजा के साथ इरफान कुरैशी, TV9 भारतवर्ष, जम्मू कश्मीर लेजिस्लेटिव असेंबली।